ये है हमारा कार्ड। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसके लिए मुझे कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम इस तरह से फ्लैग बनाएंगे। तो फ्लैग क्यों ना हम फ्लैग बनाने के बजाय कार्ड बनाएं जिस पर हमारा फ्लैग भी हो, फ्लावर्स भी हो। ये मैंने आपको राखी बनाना सिखाई थी उसी तरह से ये फ्लावर्स बनाया हुआ है मैंने। इस तरह से मैंने दो पेपर लिए हैं और फिर उसके बाद में जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये मेरी पिकॉक बनेगी। देखिए पिकॉक खुल रही है। जब मैं इसे इस तरह से बंद करूँगी तो ये बंद हो जाएगी और जब मैं इसे खोलूँगी तो ये खुलेगी। ये देखिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए मुझे इस तरह से एक ये पेपर लेना है जो पेपर इस तरह से खुलता हो, और एक छोटा पेपर लेना है जो इस तरह से खुलता हो। उसको मुझे यहाँ पर 3 लाइन खींचकर फ्लैग की लाइन खींचनी है और उसे पेस्ट कर देना है आधा, ये इस तरह से पेस्ट करके मैं क्या करूँगी इसमें एक तरफ जो हमारा हिस्सा बाहर निकला हुआ है उसमें मैं इसमें कलर कर दूँगी। जैसे कि मैंने इसमें ऑरेंज किया हुआ है कलर, जैसे कि ये हुआ हुआ है, ये देखिए ये हुआ हुआ है कलर, ऐसे सेम मुझे इसी तरह से बनाना होगा। ये देखा, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही बनाया है। ठीक है, ये ऑरेंज जो है हमारा, ऑरेंज भी हम कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। मैंने अशोक चक्र बना दिया इस तरह से। ठीक है, और ये ग्रीन पेपर, ये ग्रीन कलर लिया मैंने, तो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पर ऐसे फ्लैग बना, फ्लैग का ग्रीन कलर करूँगी। इस तरह से मैंने 3 स्केच पेन लेंगे। मिस्टर बजाज कितना ख्याल रखते हैं देवी का, और एक तरह पति है महेश, पर मैं प्यारा के सभी डांसर अपने अपने कोरियोग्राफर के साथ एक एक करके करेंगे परफॉर्म। और जिन दो डांसर्स का स्कोर होगा सबसे कम वो जाएंगे मेडल ऑफ बेस्ट डांसर, और उस मेडल को हारने वाले। ये इस तरह से मैंने कलर कर दिया, ये बन गया फ्लैग। और अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर से मैं यहाँ पर हैप्पी लिखूँगी। हैप्पी, और जैसे कि ये ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से मैं यहाँ पे लिखूँगी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस, और ग्रीन कलर से लिखूंगी यहाँ पर डे। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना होगा, अब मुझे इसे इस तरह से शेप देनी होगी जैसे कि ये वाली है। ये जैसे ये शेप दी हुई है, इधर बड़ा है इधर छोटा है, उसके लिए मुझे ये कटिंग करनी होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे कटिंग दी, ये कटिंग कर दी। ये जब मैं इसे फोल्ड इस तरह से करूँगी यहाँ पर तो ये छिप जाएगा ऐसे। ठीक है,
और जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये दिखेगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जिस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पे हमें यही फ्लावर्स बनाना है। मैंने यहाँ पर जैसे ये पर लगा रखा है, ये लगा दूँगी, ठीक है। आप चाहो तो फ्लैग के कलर का भी बना सकते हो, जैसे कि ये फ्लैग का कलर है। मैंने अभी इतने ये बना के रखे हुए हैं तो आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। इसे हम फेविकॉल की सहायता से लगाएंगे, मैंने इसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा इतना बन गया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, इसे थोड़ा सूखने देंगे। जब तक ये सूखेगा थोड़ा, तब तक हम अंदर की पिकॉक बना लेते हैं। पिकॉक बनाने के लिए हमें ये इस तरह से ये पिकॉक बनानी है। जैसे ही हम कार्ड को इस तरह से ओपन करते हैं तो ये पिकॉक बनती है। तो पिकॉक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पिकॉक बनाने के लिए हमें इस तरह से थ्री कलर लेना होगा। तीन कलर की पट्टियां काट के हमें इस तरह से फ्लैग बनाना होगा, और फ्लैग बनाकर हमें इसे फोल्ड करना है। ये ऐसे फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ये इस तरह से फोल्ड किया, और ये इस तरह से फोल्ड किया, ये हमने फोल्ड करते जाना है। ये फोल्ड कर लिया और ये बन जाएगा हमारा पिकॉक इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है यहाँ पर मैं फेविकॉल लगाऊंगी, और जो कि मैंने यहाँ पे ये पिकॉक का डिज़ाइन काट के रखा हुआ है, ये रहा। ये पिकॉक का डिज़ाइन मैं टू से भी बना सकती हूँ, जैसे कि हम टू बनाते हैं, टू बनाते हैं, टू के डिज़ाइन से ये मैंने बना दिया, और इसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी इस तरह से, ये मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूँगी जिससे कि ये सूख जाए। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसको यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कार्ड पे पेस्ट कर दूँगी। ये जो हमने कार्ड बनाया था इस कार्ड पे मैंने पेस्ट कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर ऐसे, और ये इस तरह से ऐसे इस तरह से पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। जैसे हमने ये वाला पेस्ट किया, ये मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, और बीच में यहाँ पे फेविकॉल लगाया। बीच में फेविकॉल लगा के कुछ देर के लिए इसको यूं करके कस के रखेंगे। जब मैंने इसे कस के रखा और इसे जब मैं खोलूँगी तो खोलने पर हमारा ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा कार्ड बन के रेडी है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा आज बन गया इंडिपेंडेंस डे का कार्ड। और इसमें हमें ऑरेंज और ग्रीन कलर से लाइनें खींच देनी है चारों तरफ, और इधर भी चारों तरफ, और इसमें भी। आप लोग लाइनें खींचोगे तो अच्छी लगेगी, लाइनें नहीं खींचोगे तो थोड़ा सा खाली खाली दिखेगा। तो आप लोग लाइनें खींच ही लीजिए, ठीक है, चलिए।